हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। मैं हूं मंजू और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप अपनी कॉटन की साड़ी को परफेक्टली ड्रेप कर सकती हैं कुछ इजी से स्टेप को फॉलो करते हुए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इजीली से अपनी साड़ी को ड्रेप कर सकती हैं। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमने अपनी साड़ी ले ली है। साड़ी वेयर करने से पहले पेटीकोट, फुटवेयर एंड ब्लाउज हमने वेयर कर लिया है। एंड यहाँ पर मेरे पेटीकोट में नाड़ा सामने की तरफ दिया हुआ है तो मैंने सामने ही बांधा है, बट आप चाहे तो राइट में भी बांध सकती हैं। ये एक शेप वेयर पेटीकोट है जो फिस्कट स्टाइल में है, तो इसमें चलने में प्रॉब्लम नहीं आती है और काफ़ी स्ट्रेचबल फैब्रिक इसका होता है। तो आपको सभी के बाइंग कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये देखिए साड़ी का ये वाला पोर्शन हमारा पल्लू है, तो कभी भी हम साड़ी को उसके एंड पार्ट से ड्रैप करना शुरू करते हैं इसलिए साड़ी को खोलते हुए इसके लास्ट वाले सिरे पे जाना है। तो पल्लू वाले पोर्शन को लेफ्ट साइड की तरफ रखते हुए आप साड़ी को खोलते जाएंगे तो आपको एंड सिरा मिल जाएगा। अब सामने की तरफ इस तरीके से साड़ी को सेट करना है। राइट हैंड साइड से लेकर लेफ्ट हैंड साइड तक मैं सामने के पार्ट को अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेट करती हूँ। जितना भी फैब्रिक ऊपर की तरफ आता है ना, इसको आपको अंदर कमर में टकिंग करना है पेटीकोट में। तो देखिए पहले राइट साइड में टक करना है, इसके बाद लेफ्ट साइड में। अब जो सामने का पार्ट हमारा बच गया इसको अच्छे से आपको इंसर्ट करना है ताकि फैब्रिक सामने की तरफ फंस के टमी के पास फुली फुली ना दिखे। तो जब हम अच्छे से सामने के पार्ट को टकिंग कर लेते हैं तो साड़ी को इस तरीके से लेते हुए वन राउंड लेना है एंड सामने की तरफ आ जाना है। अब यहाँ राइट साइड में अपनी लेंथ को चेक करते हुए साड़ी को थोड़ा सा टाइटली से खींचते हुए राइट में ही टक करेंगे। इसके बाद बैक के पार्ट को हम अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेंगे। सो इस तरीके से जो फर्स्ट राउंड की टकिंग होती है काफ़ी नीट क्लीन टाइट फिटिंग हो जाती है। अब हम साड़ी को लेते हुए इसके पल्लू वाले पोर्शन पर जाएंगे। डायरेक्ट नहीं जाते, नहीं तो साड़ी पीछे उलट पुलट हो सकती है। सो ये वाला पोर्शन हमारा पल्लू है, बाकी साड़ी को सामने छोड़ना है। पल्लू वाले पोर्शन को बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालेंगे एंड यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट हैंड में फैब्रिक पकड़ा इसे छोड़ देंगे और पल्लू का दूसरा कॉर्नर लेफ्ट हैंड में पकड़ लेंगे। अब पल्लू सामने की तरफ आ चुका है तो हम राइट लेफ्ट कहीं से प्लीट उठा सकते हैं। मैं लेफ्ट से उठाऊंगी इसलिए राइट साइड के फैब्रिक को कमर में टकिंग किया है ताकि मैं इजिली से प्लीट उठा सकूँ। अब देखिए स्टार्टिंग में हाफ इंच के करीब फैब्रिक छोड़ते हुए स्मॉल फिंगर थंब से पकड़ना है। सामने की टू फिंगर को कैंची की तरह करते हुए उसमें प्लीट्स बनानी है। फर्स्ट जो प्लीट आप बनाएंगे वो देखिए आपकी हाफ इंच चौड़ी होगी एंड इसके अकॉर्डिंग जितनी भी प्लीट हम बनाएंगे वो थोड़ी सी पतली होती है। तो जो सामने की टू फिंगर होती है ना कैंची की तरह जिसमें हमने फैब्रिक को फंसाया हुआ, उसमें फंसाते हुए बैक के स्मॉल फिंगर थंब से पकड़ते हुए वन बाई वन हम प्लीट बना लेते हैं। अब यहाँ पर लास्ट वाला जो प्लीट का डायरेक्शन है वो देखिए आपका अंदर की तरफ नहीं इस तरह से बाहर की तरफ होना चाहिए, तो मैं लास्ट की दो प्लीटें खोलकर इसे मैनेज करती हूँ इस तरह से। तो हमारा जो लास्ट का प्लीट का डायरेक्शन है वो राइट की तरफ, फ्रंट वाला लेफ्ट की तरफ होगा। प्लीट्स बन जाने के बाद इन्हें मैं इक्वल करते हुए पकड़ रही हूँ ताकि हमारी एक भी प्लीट्स छूट ना जाए। तो इस तरीके से प्लीट्स को हमने बना लिया है। अब यहाँ पर एक सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर करेंगे क्योंकि हमें इन प्लीट को सेट करना पड़ता है, कॉटन की साड़ी हो या फिर सिल्क की साड़ी हो। तो सेट करने से पहले सिक्योर कर ले ताकि प्लीट्स छूट भी जाए तो दोबारा ना बनानी पड़े। अब देखिए लेफ्ट वाला हैंड में पकड़ते हुए मैं इस तरह से प्लीट को उठाकर थोड़ा सा शेक कर रही हूँ एंड इसके बाद थोड़ी सी दूरी पे साइड से हम वन बाय वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज करेंगे। झटकने से आगे की प्लीट्स हमें नज़र आने लगती है और हम इजिली से अरेंज कर पाते हैं। सो देखिए यहाँ पर इतना पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए यहाँ पर शोल्डर के पास हम एक कपड़े सुखाने वाली चिमटी की हेल्प से ब्लाउज के साथ सिक्योर कर लेंगे प्लीट को। अब हमारे दोनों हैंड फ्री हो जाएंगे तो हम इजिली से देखिए दोनों हैंड का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्लीट्स को बनाएंगे। तो इस तरह से अगर आप प्लीट बनाएंगी तो फटाफट से और इजिली से आपकी प्लीट बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने कितना तेज़ी से प्लीट्स को बना लिया है। अब जो चिमटी ऊपर लगाई उसे निकालेंगे एंड पल्लू वाले पोर्शन को वापस लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए देखिए जस्ट शोल्डर के पास ही हम ब्लाउज के साथ सिक्योर कर लेंगे एंड इसके बाद हम आगे की प्लीट को कंटिन्यू करते हुए अरेंज करेंगे। आपको जितनी लेंथ चाहिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए अरेंज कर लीजिए। तो इस तरह से आपकी प्लीट आसानी से बन जाती है। सो यहाँ पर हमारा फिर से इतना पार्ट रेडी हो गया। अब चिमटी को हम यहाँ लगा लेंगे एंड देखिए लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए पल्लू की लेंथ हम देख लेंगे। तो घुटने से नीचे मैं यहाँ पर रख रही हूँ। इसके बाद से हम ब्लाउज के शोल्डर में सेफ्टी पिन की हेल्प से पल्लू को सिक्योर करेंगे। तो देखिए जब भी आप ब्लाउज के शोल्डर में सेफ्टी पिन लगाएं अपने पल्लू को सिक्योर करने के लिए तो जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग होती है उससे एक या दो इंच बैक में जाकर ब्लाउज के फैब्रिक और जो हमारी पल्लू की प्लीट है उनको एक साथ पकड़ते हुए सेफ्टी पिन को अंदर से इंसर्ट करें। फिर जब वो बाहर की तरफ आ जाए तो थोड़ी सी दूरी पे अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए सेफ्टी पिन के लॉक को लॉक कर लेना है। सो इस तरह से आपको सेफ्टी पिन लगानी है, शोल्डर के ऊपर नहीं लगाना है, थोड़ा सा बैक में जाकर लगाना है।
अब हम सामने की तरफ आएंगे और देखिए हमारा पल्लू अच्छे से सिक्योर हो गया है। तो ये जो हमने चिमटी लगाई थी इसे हम रिमूव कर लेंगे। एंड देखिए पल्लू का अंदर वाला बॉर्डर अपने बस्ट एरिया पे सेट करना है। अब ये पल्लू नेक के ऊपर चिपक ना जाए तो इसके लिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और इसको इस तरह से सेट कर लेंगे अपने बस्ट एरिया पर। अब यहाँ पर एक छोटी सी सेफ्टी पिन की हेल्प से अंदर से अपने ब्लाउज के साथ लेते हुए इस जो हमने प्लीट को बनाया था ना इसे सिक्योर कर लेंगे। और ये आपके ऊपर वाली शोल्डर की प्लीट से देखिए हाइड हो जाती है तो वो सेफ्टी पिन नज़र भी नहीं आती और आपका पल्लू भी अच्छे से सेट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पल्लू सेट करते हुए बैक से घुमाते हुए आपको सामने की तरफ लेकर आना है। एंड यहाँ पर हिप वाले पोर्शन पर अच्छे से फैब्रिक को सेट करना है। आपको देखना है कि आपका बॉर्डर कहीं मुड़ा हुआ ना हो और राइट वाले पैर तक लेकर आना है फैब्रिक को। अब यहाँ पर देखिएगा नेवल के ठीक सामने एक फिंगर रखनी है और इस फिंगर को क्रॉस कराते हुए बॉर्डर को सेट करें कभी भी, ताकि जब आप प्लीट को टक करें तो ऐसा ना हो कि यहाँ साइड से आपकी एक्स्ट्रा साड़ी नज़र आए। अब हमारा बॉर्डर अच्छे से हिप वाले पोर्शन पे सेट हो चुका है। तो देखिए राइट साइड की तरफ इस तरह से थोड़ी सी दूरी पे पकड़ते हुए फैब्रिक को ऊपर की तरफ खींचना है तो पतली पतली प्लीटें बन जाती हैं। तो 2, 3, 4 इससे ज़्यादा प्लीट्स ना कभी भी बनाएं, नहीं तो नीचे से फैब्रिक उठ जाती है। अब देखिए प्लीट्स बन जाने के बाद पेटीकोट के अंदर से थंब को इंसर्ट करना है और प्लीट को पकड़ लेना है पेटीकोट के साथ। अब एक बड़ी सी सेफ्टी पिन लेंगे। सेफ्टी पिन में इस तरीके से प्लास्टिक मैंने अटैच कर ली थी ताकि साड़ी इसमें फंस के ना फटे। एंड इसके बाद पेटीकोट को लेते हुए जिगजैग स्टाइल में सेफ्टी पिन लगाएं जैसे कि हम स्टिचिंग कर रहे हों। ऐसा करने से हमारी साड़ी फटने की बिल्कुल भी चांस नहीं होती है। और ये जो साइड की प्लीटें आपको नज़र आ रही है इन्हें अच्छे से एक बार सेट कर ले तो इस तरीके से आपका हिप वाला पोर्शन यहाँ पर बन जाएगा। अब हमारे पास जितनी भी साड़ियाँ बच गई हैं इनकी हमें प्लीटें बनानी है। तो काफ़ी सारे लोग लेफ्ट हैंड वाले होते हैं, काफ़ी सारे लोग राइट हैंड वाले, तो आप दोनों हैंड से सेम प्रोसेस से प्लीट्स यहाँ पर बना सकती हैं। तो आज मैं यहाँ देखिए अंदर से बनाऊंगी लेफ्ट हैंड से। तो पहले आपको फैब्रिक मेज़र कर अपने हाइट के अकॉर्डिंग कितना प्लीट आप अंदर टकिंग करेंगी एंड इसके बाद उतना फैब्रिक आपको छोड़ते हुए आगे से प्लीट उठानी है। तो यहाँ स्मॉल फिंगर थंब से फैब्रिक को पकड़ना है, सामने के 2 फिंगर को कैंची की तरह करते हुए उसमें फैब्रिक को फंसाना है एंड इसके बाद से हम प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से आपको सभी साड़ियों की प्लीट्स बना लेनी है। केवल अंदर से जितना हमने फैब्रिक छोड़ा है वैसे ही आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मेज़र करते हुए छोड़ देना है। एंड जब आप प्लीट बनाते हुए आती हैं तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में थोड़ा सा फैब्रिक बच जाता है तो उसे हम बाद में मैनेज कर लेंगे। तो देखिए ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैनेज करने के लिए पहले आपको प्लीट को सेट करना है और अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए हम ऊपर साइड से अरेंज करेंगे, बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में हाफ ऑफ सेंटीमीटर का गैपिंग रखते हुए प्लीट्स को अरेंज करना है। हाफ ऑफ सेंटीमीटर का गैपिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं होता है, बट अगर आप देते हो ना तो सभी प्लीट्स काफ़ी अच्छे से उभर के नज़र आने लगती है। तो अगर आप परफेक्ट साड़ी ड्रैप करना चाहते हो तो ये वाला आप स्किप ना करें, अदरवाइज आपकी चॉइस है। तो सभी प्लीट्स को हमने पकड़ लिया, केवल फर्स्ट वाली प्लीट को ओपन करेंगे। राइट साइड का जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेते हुए हमने यहाँ पर फर्स्ट प्लीट को चौड़ी कर लिया है। तो इस तरह से कभी भी आपकी फर्स्ट प्लीट चौड़ी होती है, चाहे वो शोल्डर की हो या फिर कमर की। अब अंदर से एक एक प्लीट को आपको अच्छे से पकड़ना है ताकि एक भी प्लीट्स आपके छूट ना जाए। तो इस तरीके से हम प्लीट्स को पकड़ लेंगे। प्लीट्स की केवल फर्स्ट लेयर मैंने यहाँ पर नहीं पकड़ी है, देखने ये वाली लेयर नहीं पकड़ी है, अंदर से सभी प्लीट को पकड़ लिया है और झटक रही हूँ इस तरीके से। एंड ये जो साड़ी है कॉटन सिल्क की है तो इसलिए फटाफट से खुद ब खुद अरेंज हो गई है। अब नेवल के ठीक सामने रखते हुए मेज़र करेंगे कितना पार्ट अंदर टकिंग करना है। फाइनली वहीं पर हम साइड से 1 बाय 1 प्लीट को अरेंज करेंगे। सो इस तरीके से अरेंज हो जाने के बाद नेवल के ठीक सामने रखना है और चौड़ी और प्लीट को देखिए ऊपर की तरफ खींचना है ताकि फर्स्ट प्लीट लटक ना जाए। एंड यहाँ पर देखिएगा प्लीट को पेटीकोट के साथ पकड़ना है, इसके बाद हम टकिंग करेंगे इस तरह से। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि टकिंग में इधर उधर हो जाती है, तो आप इस तरह से टक कीजिएगा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगी। सामने का जब प्लीट आपका टक हो जाता है तो राइट साइड में आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत पार्ट आपका ओपन रह जाता है। तो आपको टक करते वक्त देखना है कि नीचे से फैब्रिक ऊपर की तरफ ना उठे, ना ही फर्स्ट प्लीट राइट की तरफ भागे। तो जो फैब्रिक जहाँ उसको वहीं टकिंग कर लेना है और वो आपका पल्लू से हाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको साड़ी पूरे दिन के लिए पहननी है और आप नहीं चाहते कि आपकी प्लीट इधर उधर हो तो इस तरीके से प्लीट्स को अरेंज कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर देखिए मैं साड़ी पिन की हेल्प से सिक्योर कर रही हूँ। आपके पास ना हो तो आप सेफ्टी पिन भी लगा सकती हैं, बट आपको अंदर से लगाना होगा। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी प्लीटें नीचे से फूली फूली हैं तो इस तरीके से 1 बाय 1 अरेंज कीजिए और हैंड से प्रेस कर दीजिए।
तो इस तरीके से आप पूरा नीचे तक सेट कर सकती हैं। मेरी साड़ी की जो प्लीटें काफ़ी ज़्यादा फुली नहीं थी तो मैंने नीचे तक प्रेस नहीं किया है। एंड यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा की सेफ्टी पिन लगा रखी है इसे भी हम रिमूव कर लेंगे। सो इसके बाद से जो हमारा फाइनल लुक है यहाँ पर आप देख सकती हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मेरा ड्रैपिंग स्टाइल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तक की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय।